सर्कल हो गया, इनके अंदर वो उसको यूटिलाइज करवाती है ताकि, आवाज आ रही है आप लोगों को? यस मैम, आ रही। यस यस मैडम, आ रही है, बीच में एक दफा रुकी थी बस। मैम। यस अच्छा मैडम, ये रिसाइकलिंग की कोई एग्जांपल दे सकते हैं, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कैसे रिसाइकलिंग हो रही है। कंपोजिशन हो जाती है तो वो क्या करती है, वो उनको जो वेस्ट मटेरियल होता है उनको कन्वर्ट करवाती है इनटू द यूजफुल मटेरियल, ठीक है, जो कि आगे जाके जो अर्थ के लिए है या अदर जो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि अर्थ पे सरवाइव कर रहे हैं उनकी लाइफ को मेंटेन रखने के लिए जरूरी होता है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है, ह्यूमन एक्टिविटी हैज पोल्यूटेड द एनवायरमेंट विद अ वाइड वेराइटी ऑफ द सिंथेटिक प्रोसेस्ड कंपाउंड, मेनी ऑफ दीज हैजरस कम और टॉक्सिक सब्सटेंसेस कैन बी डिग्रेडेड बाय द सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसके ऊपर हेडिंग लिखो, डिग्रेडेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस। सेकेंड पॉइंट पे हेडिंग लिखें, डिग्रेडेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस। डिग्रेडेशन का मतलब होता है खत्म करना, तोड़ फोड़ कर देना उसकी। डिग्रेडेशन, ये देखें ये स्पेलिंग लिखे हुए हैं, DEGRE, आगे डी के आगे लिख दो ATION, डिग्रेडेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस। डिग्रेडेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस, ठीक है, सेकेंड हेडिंग। अब इसका मतलब क्या है कि आपको पता है कि मतलब अर्थ के ऊपर या जमीन के ऊपर, ऑब्वियसली सॉयल के ऊपर ही ये सारी लाइफ सरवाइव कर रही है, तो इसके ऊपर डिफरेंट इंडस्ट्रीज भी वर्कआउट कर रही हैं, डिफरेंट किस्म के ह्यूमन वेस्ट और जो एनिमल वेस्ट मटेरियल हो गए और वो सारे मतलब जो हार्मफुल केमिकल्स होते हैं जो इंडस्ट्रीज से निकाले जाते हैं वो सारे के सारे कहाँ पर डाल दिए जाते हैं, ऑब्वियसली वो जब आप चाहे उनको आप किसी नदी नाले जहां पर भी फेंकते हो उनको या जिस एरिया के अंदर भी शामिल करते हो, जाके वो एब्जॉर्ब कहाँ पर होते हैं, सॉइल के अंदर। तो सॉइल एक ये भी फंक्शन परफॉर्म करती है कि उनमें से बहुत सारे ऐसे टॉक्सिक सब्सटेंसेस या ऐसे टॉक्सिक केमिकल्स जो के अगर ह्यूमन को मतलब ह्यूमन बॉडीज को अगर वो लगे तो वो उनको इफेक्ट कर सकते हैं, उनके अंदर डिफरेंट किस्म की डिजीज पैदा कर सकते हैं, उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो सॉइल का क्या फंक्शन होता है कि वो उन बहुत सारे हार्मफुल केमिकल्स को या जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस होती हैं उनको वो तोड़ फोड़ करके और वो सॉइल के अंदर ही एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है। तो सॉइल का सेकेंड फंक्शन क्या होता है, डिग्रेडेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस, के ये जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस होती है जो ह्यूमन एक्टिविटीज के थ्रू एनवायरनमेंट में शामिल हो जाती है वो उन टॉक्सिक सब्सटेंसेस को डिग्रेड करवाती है, उन टॉक्सिक सब्सटेंसेस की तोड़ फोड़ करवाती है, ठीक है। एंड द थर्ड पॉइंट इज, सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनिमल बिटवीन वेरियस फॉर्म। ये इसके ऊपर हेडिंग लिखो, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एलिमेंट्स। ये जो पॉइंट लिखा हुआ है ये वाले थ्री वर्ड्स लिख लो, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एलिमेंट्स। इसका मतलब क्या है, एक एक जो कोई भी आपके पास एलिमेंट है जस्ट लाइक कार्बन है, कार्बन को वो कन्वर्ट करवा देती है उसके ऑक्साइड्स में, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड में, सल्फर है तो सल्फर के ऑक्साइड बना देती है, नाइट्रोजन है उसको अमोनिया में कन्वर्ट करवा देती है। तो ये एलिमेंट को ट्रांसफर करवाती है उनकी एक शक्ल से दूसरी शक्ल के अंदर या फ्रॉम देयर वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो थर्ड में ये जितने किस्म के केमिकल रिएक्शन हो रहे होते हैं ये आप आगे अभी पढ़ोगे, कार्बन साइकिल के अंदर पढ़ोगे, नाइट्रोजन साइकिल में पढ़ोगे कि उनके अंदर ये जितने किस्म के जो आपके पास कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं या नाइट्रोजन होती है एयर के अंदर जो शामिल होती है तो वो उनको एक सब्सटेंसेस से या एक फॉर्म से उनको उनकी दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करवा देती है ताकि वो इजीली जो सॉइल पर एग्जिस्ट करने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं उनके लिए वो यूजफुल हो। तो थर्ड पॉइंट इसका है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एलिमेंट्स, कि ये डिफरेंट किस्म के एलिमेंट्स को उनकी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करवाती है फॉर यूजफुल पर्पस, ठीक है।
के ह्यूमन के बेनिफिट के लिए या अदर ऑर्गेनिजम्स जो के अर्थ पर सर्वाइव कर रहे हैं उनके बेनिफिट के लिए ये एलिमेंट्स को उनकी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करवा देती है। ठीक है, तो थ्री इसके मेजर फंक्शन है। नंबर वन, रिसाइकलिंग ऑफ सब्सटेंसेस, के डिफरेंट किस्म की जो वेस्ट मटेरियल होते हैं उनको रिसाइकल करवा के या उनको यूजफुल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करवाती है। नंबर टू था कि ये डिफरेंट किस्म के जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस होती है उनकी डिग्रेडेशन करवाती है, डिग्रेडेशन ऑफ द टॉक्सिक सब्सटेंसेस। एंड नंबर थ्री इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एलिमेंट, के ये डिफरेंट किस्म के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको वन फॉर्म से उनकी अनदर फॉर्म में कन्वर्ट करवाती है। तो दीज आर द थ्री मेन रोल्स ऑफ सॉइल। सॉइल के अंदर ये सॉइल जो है मट्टी, ये तीन मेजर रोल एनवायरनमेंट के अंदर प्ले करती है। क्लियर, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम? मैडम ये सॉइल बायोटा का क्या मतलब था? सॉइल बायोटा का मतलब होता है कि सॉइल पे जो लाइफ एग्जिस्ट कर रही है। क्लियर है मैडम, मतलब सॉइल के अंदर जो पाए जाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं या अदर सब्सटेंसेस जो एग्जिस्ट कर रही हैं उनका क्या रोल होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट है कार्बन साइकिल। अब आप लोगों को वो जो फाइव मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स आप लोगों ने पढ़े थे ना सॉइल के, जिसमें मिनरल्स, गैसेस थी, वाटर था और बायोलॉजिकल सिस्टम्स थे, तो ये यहाँ से बायोलॉजिकल सिस्टम स्टार्ट हो रहे हैं जिसमें फर्स्ट बायोलॉजिकल सिस्टम है कार्बन साइकिल। अब कार्बन साइकिल क्या होता है आप लोगों को पता है कि मैट्रिक, ऑब्वियसली मैट्रिक के बाद ही एडमिशन लिया, मैट्रिक में जिन स्टूडेंट्स की बायोलॉजी थी उन्होंने ये पढ़ा होगा कि कार्बन साइकिल में क्या होता है कि जब हम लोग रेस्पिरेशन करते हैं ना, मतलब जो आपके पास प्लांट्स होते हैं तो प्लांट्स का क्या काम होता है कि जब हम लोग सांस लेते हैं ना, ह्यूमन बीइंग्स मतलब इंसान जब सांस लेते हैं तो वो क्या करते हैं, वो ऑक्सीजन को अंदर लेकर जाते हैं, मतलब हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है तो हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं। इनहेल का मतलब होता है ऑक्सीजन को हम लंग्स के अंदर लेकर जाते हैं। मैडम आपकी क्लियर नहीं आ रही। आवाज क्लियर नहीं आ रही? नहीं इधर तो क्लियर आ रही मैम। आवाज क्लियर है, आवाज क्लियर है। नदीम भाई अपना कनेक्शन चेक करें प्लीज। जी जी बाकी सबको भी क्लियर आ रही है मैम आपके पास। फिर ये जिसको क्लियर नहीं आ रही या तो वो अपने कान साफ करें तो या अपना नेट क्लियर कर दें। ठीक है, कार्बन साइकिल में मैं आपको बता रही थी कि कार्बन साइकिल में क्या होता है कि जब हम लोग सांस लेते हैं ना, ह्यूमन बीइंग्स मतलब रेस्पिरेशन करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं मतलब ऑक्सीजन को अंदर लेकर जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। तो जो हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर एटमॉस्फेयर में करते हैं तो वो प्लांट्स के लिए वो यूजफुल होती है। क्यों? क्योंकि प्लांट्स ने उस कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर और साथ में अपनी रूट्स से वो पानी को एब्जॉर्ब करता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को मिलाती है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, मतलब सूरज की रोशनी में ये दोनों को मिलाती है और इन दोनों को मिला के ना वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू वो क्या करवाती है, वो C6O12 और C6H12O6 जो उनकी ग्लूकोज होती है या जो खुराक होती है वो तैयार करवाती है। ठीक है, तो इस वजह से ना ये एक साइकिल बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स ये चलता रहता है। और मेडिकल टर्म में वी आर ऑल्सो, मतलब जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं वो भी एनिमल की कैटेगरी में इंक्लूड होते हैं, क्योंकि एनिमल का और जो ह्यूमन बीइंग का रेस्पिरेशन या रेस्पिरेटरी साइकिल होता है वो सेम होता है, बिकॉज वी बोथ आर हेटरोट्रॉप्स, हम दोनों हेटरोट्रॉप्स हैं। क्यों? क्योंकि हम अपनी खुद तैयार नहीं कर सकते, ना हम खुद तैयार कर सकते हैं ना एनिमल्स खुद तैयार कर सकते हैं। हम लोगों को अपनी खुराक तैयार करने के लिए प्लांट्स पर डिपेंड करना पड़ता है, बिकॉज प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ्स, वो ऑटोट्रॉफ्स हैं, वो अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू, और वो खुराक जो वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू तैयार करते हैं इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट या इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, वो हम आगे फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, उनकी फॉर्म में हम यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, तो ये एक साइकिल मेंटेन रहता है। अब एनवायरनमेंट के अंदर आप लोगों ने पढ़ा कि अगर हम एनवायरनमेंट की बात करें ना, तो एनवायरनमेंट के अंदर या एयर के अंदर तीन मेजर गैसेस एग्जिस्ट करती हैं, एक आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड है, एक ऑक्सीजन है और एक नाइट्रोजन है। ठीक है, अब आप ये देखो
के जो हम लोगों को तीनों गैसेस की जरूरत होती है, कुछ प्लांट जो हैं वो तो कार्बन डाइऑक्साइड हमसे ले लेते हैं, मतलब ह्यूमन बीइंग्स रेस्पायर करें वो मिल रही है, लेकिन कुछ कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट उनको ये इस कार्बन साइकिल के थ्रू आती है। अब ये कार्बन साइकिल कहाँ पे परफॉर्म हो रहा होता है, ये सॉइल के अंदर परफॉर्म, मतलब मट्टी के अंदर परफॉर्म हो रहा होता है। और ये कैसे परफॉर्म हो रहा होता है, आप लोगों को ये पीछे भी मैंने वो रिसाइकलिंग वाले पॉइंट में बताया है कि इसमें क्या होता है कि वो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जैसे इंसान की डेथ हो जाती है, एनिमल्स मर जाते हैं, प्लांट जो हैं वो डेड हो जाते हैं, मतलब बहुत सारे ऐसे फ्लड के थ्रू हो गया या एनवायरमेंटल चेंजेस ऐसी आती हैं कि प्लांट भी डेड हो जाते हैं। तो अब ये सारे के सारे, ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, मतलब इनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन जो है वो स्टोर है, ठीक है। तो प्लांट क्या करते हैं, ये जो आपके पास ये डेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ना, इन डेड ऑर्गेनिक कंपाउंड से कार्बन को एक्सट्रैक्ट करवाते हैं, और वो जो कार्बन होती है वो सॉइल के थ्रू कन्वर्ट होती है इनटू द कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और वो कार्बन डाइऑक्साइड फिर हम आगे जो प्लांट्स हैं वो अपने पर्पस के लिए इसको यूटिलाइज करते हैं। इसको मैं पैराग्राफ को रीड करती हूँ, ये आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। कार्बन साइकिल में बेसिकली क्या होता है, इन द कार्बन साइकिल माइक्रो ऑर्गेनिज्म ट्रांसफॉर्म प्लांट एंड एनिमल रेजिड्यू। इसमें क्या होता है कार्बन साइकिल में, कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म सॉइल के अंदर प्रेजेंट होते हैं वो क्या करते हैं, वो ट्रांसफॉर्म करते हैं। ट्रांसफॉर्म का मतलब होता है चेंज करते हैं, किसको चेंज करते हैं, प्लांट एंड एनिमल रेजिड्यू, जो प्लांट और एनिमल का रेजिड्यू, रेजिड्यू का मतलब होता है जो बचा कुचा मटेरियल या जो डेड ऑर्गेनिक कंपाउंड है, वो उसको कन्वर्ट करवाते हैं, किसमें कन्वर्ट करवाते हैं, इनटू द कार्बन डाइऑक्साइड, उसको वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करवा देते हैं। एंड द सॉइल ऑर्गेनिक मैटर नोन एज ह्यूमस, और पीछे जो आपके पास सॉइल के अंदर जो ऑर्गेनिक मैटर रह जाता है ना कार्बन डाइऑक्साइड निकलने के बाद, जो पीछे वो वेस्ट मटीरियल रह जाता है उसको ह्यूमस कहते हैं। ह्यूमस का क्या फंक्शन होता है, ह्यूमस इंप्रूव द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। बाकी वो ये किस इडियट का माइक म्यूट नहीं है, ये कौन है ओपो A3S, पता है मैं कुछ ये आप जो भी हो ना, आपको मैंने मीटिंग से रिमूव कर दिया है। ठीक है, क्या बता रही थी मैं, ह्यूमस, ह्यूमस क्या होता है, जब आप सॉइल के मट्टी जो है उसके अंदर वो क्या, जो मट्टी के अंदर पाए जाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या करते हैं, जो प्लांट और एनिमल का जो रेजिड्यू या जो डीकम्पोज्ड मटेरियल, मतलब जो डेड ऑर्गेनिक मैटर्स मट्टी के अंदर दफना दिए जाते हैं, उनसे वो कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सट्रैक्ट करवा देते हैं, ठीक है। और पीछे सॉइल के अंदर जो वेस्ट मटीरियल रह जाता है ना उसको ह्यूमस कहते हैं। ह्यूमस का क्या काम होता है, ह्यूमस मट्टी के अंदर जैसे वो फर्टिलाइजर इस्तेमाल करते हैं ना खादें वगैरह, बिल्कुल वो मट्टी के अंदर खाद का काम करता है, कि वो क्या करता है, वो सॉइल की कैपेसिटी को इंक्रीज कर देता है, कि उसके अंदर आप कह लो कि वो वाटर को होल्ड अच्छे तरीके से कर सकती है, उसको न्यूट्रिएंट मिल जाते हैं उसी जो डेड ऑर्गेनिक मैटर होता है उससे, और उसकी वजह से क्या होता है कि जो सॉइल की एग्रीगेशन होती है, एग्रीगेशन का मतलब होता है कि मट्टी का जो, मट्टी की स्ट्रेंथ होती है ना वो इंक्रीज हो जाती है, मतलब उसकी क्वालिटी बेटर हो जाती है। तो इस पूरे पैराग्राफ में क्या स्टोरी लिखी हुई है कि कार्बन साइकिल के अंदर क्या होता है कि मट्टी के अंदर पाए जाने वाले जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो जो मट्टी के अंदर जितने डेड ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, जैसे पौधे हो गए, जानवर हो गए, जो गल सड़ जाते हैं उनके अंदर से वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करवाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई, कार्बन डाइऑक्साइड निकलने के बाद जो वहां पर वेस्ट मटेरियल या वो जो डीकम्पोज या डेड ऑर्गेनिक मटेरियल मट्टी के अंदर बच जाता है उसको ह्यूमस कहते हैं। और उस ह्यूमस का क्या काम होता है, उस ह्यूमस ने जो मट्टी की क्वालिटी होती है उसको बेहतर बनाना होता है, कि उसको वो न्यूट्रिशन सप्लाई करता है, जिसकी वजह से जो प्लांट होती है जो, या जो सॉइल वगैरह होती है उसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाती है। समझ आ गई है यहाँ तक, इसमें कोई इशू हो? नो मैम, क्लियर है, बस ये तस्वीर समझा दे जो नीचे बनी हुई है, इसकी जरूरत ही नहीं है। ओके मैडम, ठीक है। और उसके बाद
नेक्स्ट है नाइट्रोजन साइकिल. अच्छा ये ना नाइट्रोजन साइकिल, इसको मैंने देखा है, इसके अंदर ना ये वाला जो पैराग्राफ है, ये वाला, ये जो आपको नजर आ रहा है, इसके अंदर बहुत ज्यादा टफ, मतलब डिफिकल्ट वर्डिंग यूज की हुई है. ये मैं यहाँ पर पेज ओपन करती हूँ, ठीक है, जो जो मैं टाइप करती जा रही हूँ आप लोग वो साथ साथ उसको लिखते जाओ, ठीक है. वो आपने फिर जो नाइट्रोजन साइकिल होगा उसमें वही चीज याद करनी है. ये देखो इसके ऊपर ना यहाँ पर ये खाली ये वाला जो एरिया आपको नजर आ रहा है ना, इसके ऊपर लिख लो, यहाँ से स्टार्ट करो और यहाँ पर वो साथ ही इसके लिख लो, या अगर इसके नीचे जगह खाली है या यहाँ पर मेंशन कर लो. मैं आपको इजी वर्डिंग में लिखवा देती हूँ, फिर आप लोग ये याद ना करना जो मैंने आपको लिखवाया है, सिर्फ आप वही याद करना, क्योंकि ये वाला पैराग्राफ आपको याद भी नहीं होगा. इसमें बहुत डिफिकल्ट वर्डिंग लिखी हुई है, ऊपर नीचे करके उन्होंने लिखा हुआ है, तो मैं आपको ना अरेंज करके लिखवा देती हूँ, ठीक है. ये मैं फाइल न्यू ओपन करती हूँ. ये नजर आ रहा है सबको ब्लैंक पेज? नहीं मैडम, अभी ब्लैंक पेज ओपन नहीं हुआ, अभी बुक शो हो रही है मैम. एक सेकेंड वेट करें. जी अब नजर आ रहा है? नहीं आ रहा, ये बुक क्लोज करनी पड़नी, शायद फिर नजर आएगा. नहीं ये मैं स्क्रीन शेयर कर तो रही हूँ, एक मिनट वेट करें आप. या नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे फिर, अभी कर लेते हैं. आप लोगों ने आज पढ़ा क्या है? देखो थोड़ा सा तो पढ़ा नहीं, ये खत्म करना है. अभी आप लोगों की बायोकेमिस्ट्री भी पूरी पढ़ी हुई है, वो भी तो पढ़ानी है, फिर रिवीजन भी करवानी है. करवाएं मैडम, करवा दें. हाँ जी, ये आप लोग नोट डाउन करें ना, जितना होता है उतना लिख लें, फिर बाकी रिज्वाइनिंग में कर लीजिएगा, ठीक है? ओके मैम. इसके ना मैं आपको लेटर्स थोड़े से बोल्ड कर देती हूँ. मैडम लिखने से पहले उसका वो फ़ॉन्ट का साइज बढ़ाएं फिर लिखें, उसके बाद वो बड़ा लिखें. मैडम आप बोलती जाएं, कोई स्पेलिंग्स का इशू होगा तो आपसे पूछ लेंगे, हम लिख लेते हैं. ऐसे आप लोगों को समझ आ जाएगी? अगर तो आ जाएगी तो बल्कि वो ज्यादा इजी है मेरे लिए कि मुझे टाइप नहीं करना पड़ेगा. आप मैडम लिखवाएं, हम लिखते हैं, बाद में आपसे समझ लेते हैं. लिख लेंगे हम. अच्छा चलें लिखें फिर. लाइन लिखें आप लोग, सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द नाइट्रोजन साइकिल. सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्ले. मैम थोड़ी स्लो स्पीड से. इससे ज्यादा स्लो अब मैं क्या पढ़ाऊं? मैम लिखवाएं, आप समझ आ रही है? लिख लिया जी. इन नाइट्रोजन साइकिल सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन द. जो है टॉपिक नाइट्रो ऑर्गेनिज्म का वो कर लें तो वो बेहतर है.
नहीं वो आप लोगों में से कुछ ने एफएससी किया कुछ ने नहीं किया, मैं नए स्यापों में डाल दूं आप लोगों को, जो लिखवा रही हूं वो तो लिख लो, आप लोग अपने मशवरे शुरू कर देते हो। चलें ठीक है आप लिखवाएं आगे मैम। सॉइल, अब आप लोगों में से मुझे किसी की आवाज ना आए, जिसको समझ ना आए सिर्फ वो बोले। सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन द नाइट्रोजन साइकिल। This process is known as nitrogen fixation. NITROGEN nitrogen FIXATION fixation. This process is known as nitrogen fixation. ठीक है, soil microorganisms play important role in the nitrogen cycle. This process is known as nitrogen fixation. नेक्स्ट लाइन लिखें, द एटमोसफियर की स्पेलिंग ये मैं लिख रही हूं, ATMOSPHERE, द एटमोसफियर कंटेन CONTAIN. The atmosphere contain about 80%. The atmosphere contain about 80% nitrogen. The atmosphere contain about 80% nitrogen. This nitrogen plays important role in plants. This nitrogen plays important role in plants when it is converted CONVERTED. इसके आगे आप लोग इस तरह से ये लगा दें और नेक्स्ट लाइन में लिखें, जनता वाले ओए पानी वाले मन्नो चल 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 रहो। ठीक है, लाइन लिखे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट कन्वर्ट नाइट्रोजन इनटू अमोनिया आर फॉलोइंग, और उसके बाद यहाँ पर हेडिंग लिखें, नंबर वन लिख के लिखें, नंबर वन लिखें ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ठीक है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया
ये हेडिंग लिख के इसमें आप लोगों ने लिखना है ग्राम पॉजिटिव स्पीशीज में जो नाइट्रोजन को कन्वर्ट करवाती हैं अमोनिया में, इन स्पीशीज में दो स्पीशीज आती हैं जिसमें एक आपके पास नंबर वन है क्लॉस्ट्रिडियम CLOSTRIDIUM क्लॉस्ट्रिडियम स्पीशी, और जो जी जी मैम ये जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया इसकी सब हेडिंग्स हैं जी, सब हेडिंग्स है ना जी, ठीक है थैंक यू, उनको कहीं 10 मिनट्स, ठीक है 10 मिनट्स में मैं बस वाइंड अप कर रही हूँ, ठीक है। क्लॉस्ट्रिडियम स्पीशी है, और सेकंड जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की स्पीशी जो के नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करवाती है, सेकंड स्पीशी का नेम है PASTEURIANUM पास्चुरेनियम स्पीशी, ठीक है। ये दो स्पीशीज ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की ऐसी होती हैं जो के मट्टी के अंदर मौजूद जो आपके पास नाइट्रोजन होती है उसको अमोनिया में कन्वर्ट करवाने के लिए जरूरी होती हैं, ठीक है। इसके बाद जो आपके पास सेकंड हेडिंग लिखें ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ठीक है। और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की स्पीशी जो के कन्वर्ट करवाती हैं उनमें है नंबर वन है एजोबैक्टर AZOBACTER, एक एजोबैक्टर स्पीशी है, और सेकंड जो स्पीशी है वो है राइजोबियम RIZOBIUM राइजोबियम, ठीक है। ये सिर्फ दो स्पीशीज इसकी ऐसी होती हैं जो के उनको कन्वर्ट करवाती हैं, ठीक है। यहाँ तक आपका नाइट्रोजन साइकिल एंड हो गया, बस बाकी जो ये इसके अंदर लिखा हुआ है वो याद करने की जरूरत नहीं है। अब जो मैंने लिखवाया है उसको आप अपनी बुक्स पे देखें, ठीक है। मैं आपको समझाती हूँ कि मैंने आपको क्या लिखवाया है, मैं इधर से बोलती जाती हूँ और आप लोग उधर से देखते जाओ। नाइट्रोजन साइकिल में मैंने आपको लिखवाया है सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द नाइट्रोजन साइकिल, के जो सॉइल के अंदर पाए जाने वाले जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं नाइट्रोजन साइकिल के अंदर। अब वो ये वाला जो नाइट्रोजन साइकिल के अंदर जो वो रोल प्ले करते हैं, मतलब जो वो प्रोसेस को करवाते हैं, दिस प्रोसेस इज नोन एज नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये नाइट्रोजन को फिक्स कर देते हैं इंटू अमोनिया, ठीक है। मतलब नाइट्रोजन को कन्वर्ट करवा देते हैं अमोनिया के अंदर। तो ये वाला जो प्रोसेस होता है जिसमें वो जो नाइट्रोजन होती है उसको अमोनिया के अंदर कन्वर्ट करवाते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है। दिस प्रोसेस इज नोन एज नाइट्रोजन फिक्सेशन। नेक्स्ट लाइन मैंने आपको लिखवाई है द एटमोसफियर कंटेन अबाउट 80% नाइट्रोजन, के जो आपके पास हवा होती है एटमोसफियर होती है या आबो हवा होती है उसके अंदर तकरीबन 80% नाइट्रोजन पाई जाती है, ठीक है। अब दिस नाइट्रोजन प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन प्लांट, अब ये नाइट्रोजन प्लांट्स के अंदर तब रोल प्ले कर सकती है व्हेन इट इज कन्वर्टेड इनटू अमोनिया, जब ये नाइट्रोजन कन्वर्ट हो जाएगी अमोनिया के अंदर, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन जो होती है जो हवा के अंदर एग्जिस्ट कर रही है वो यूजफुल नहीं है प्लांट्स के लिए, वो तब तक यूजफुल नहीं है जब तक वो नाइट्रोजन अमोनिया में कन्वर्ट ना हो जाए, ठीक है। तो अमोनिया में कन्वर्ट करवाने के लिए फिर हमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जरूरत होती है, और वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहाँ से आते हैं, वो सॉइल से आते हैं। तो इस वजह से सॉइल जो है वो नाइट्रोजन साइकिल परफॉर्म करवाने के लिए भी जरूरी होती है, क्योंकि सॉइल के अंदर कुछ ऐसे बैक्टीरिया पाए जाते हैं जिनको हम नाइट्रोजन फिक्सर बैक्टीरिया कहते हैं, ठीक है। वो कन्वर्ट करवाते हैं ये हवा के अंदर पाई जाने वाली जो नाइट्रोजन होती है उसको अमोनिया के अंदर, ठीक है। तो नेक्स्ट लाइन मैंने आपको यही लिखवाई है माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट कन्वर्ट्स नाइट्रोजन इंटू अमोनिया आर फॉलोइंग, के वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो ये हवा में पाई जाने वाली जो ऑक्सीजन नाइट्रोजन होती है
उसको कन्वर्ट करवाते हैं अमोनिया के अंदर, वो कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं? वो ये वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनकी दो कैटेगरीज होती हैं, एक होते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में क्लिस्ट्रीडियम और पास्टरिनियम, ये दो बैक्टीरिया की स्पीशीज ऐसी होती हैं जो हवा में मौजूद जो नाइट्रोजन होती है सॉरी जो हवा में मौजूद नाइट्रोजन है उसको वो अमोनिया में कन्वर्ट करवाते हैं, ठीक है। और बिल्कुल इसी तरह से सेकेंड जो स्पीशी है वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की क्लास है, जिनके अंदर दो स्पीशीज बैक्टीरिया की ऐसी आती हैं जिनमें एक एजोबैक्टर स्पीशी है और दूसरी राइजोबियम स्पीशी है। ये दोनों स्पीशीज भी ऐसी होती हैं बैक्टीरिया की जो के होती ग्राम नेगेटिव है, लेकिन वो रोल वही सेम परफॉर्म करती हैं कि वो हवा के अंदर मौजूद जो नाइट्रोजन होती है उसको वो अमोनिया में कन्वर्ट करवाती है ताकि जो प्लांट्स हों वो इस अमोनिया को यूटिलाइज कर सकें। क्लियर? यस मैम, क्लियर है मैम, क्लियर है, समझ आ गई है? जी जी, यस मैम। इसमें किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो तो वो पूछ ले, और बाकी जो सल्फर साइकिल है ना वो उसको एक दफा आप लोग रीड आउट करना, दो तीन लाइनें लिखी हुई हैं, बाकी वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको करवा भी दूंगी, ठीक है? जी मैम कर लेंगे इंशाल्लाह। इसमें अगर किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है तो वो मुझसे पूछ ले जल्दी जल्दी। नो मैम, क्लियर है, ठीक है। मैं फिर आप लोगों की अटेंडेंस ले लेती हूँ जल्दी से।